साहब कुछ खाने को दो ना साहब, साहब कुछ खाने को दो ना साहब। सब खा गया, कुछ नहीं बचा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दीपांशु के घर में एक नए दिन के साथ। तो अभी बज रहे हैं 12, दिन के 12 बज चुके हैं। तो अभी तक हम घर में थे और आज हमारे गांव में हो रही है शादी, क्योंकि शादी तो हो गई है, देर दिन हुई शादी। तो यहाँ गाँव में पार्टी करा रहे हैं, तो कीर्तन वगैरह है, आपको सारा कुछ बताएंगे। तो मैं अभी आ रखा हूँ दीपांशु के घर में, आपको सामने दिख रहे होंगे दीपू और भाभी तो तैयार हो चुके हैं, क्योंकि है कीर्तन। और आप इन खूबसूरत वादियों को देख सकते हो, आगे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, क्या खूबसूरत वैली दिखाई दे रही है आगे की, और नीचे हमारा पुराना घर। तो अभी मैं आ रहा हूँ दीपांशु घर में, तो नीचे आपको टेंट वगैरह दिख रहा होगा, वहाँ है शादी, मतलब शादी नहीं है, शादी हो चुकी है, पार्टी है। तो दीपांशु भी हो गया है तैयार, और आप आगे देख सकते हो माटे लग रखे हैं। तो जो भी गाँव में होते हैं उन्हें माटे खाने का मन करा होगा, पर थोड़े बहुत बचे हैं माटे। और बाकी आगे का आप वैली देख सकते हो, क्या खूबसूरत वैली दिखाई दे रही होगी। आगे आपको पिपगोला गांव दिखाई दे रहा होगा। तो चलते हैं फिर, तो चलते हैं गांव की ओर, मैं तैयार हो चुका हूं। तो आपको आज कीर्तन मंडली से बात कराएंगे और शादी भी बताएंगे किस प्रकार से हो रही है, किस प्रकार से पार्टी हो रही है मतलब। तो चलते हैं फिर गाँव की ओर नीचे, अभी तो मैं दीपांशु के घर में हूँ, तो चलते हैं नीचे। दोस्तों फाइनली हमारी कीर्तन मंडली पहुँच चुके हैं सकिंडा गाँव की, इतने सारे लोग हैं। बाकी आगे मंदिर को सजाया जा रहा है। तो ये पिरानसरों का घर है और बुआ लोग यहाँ पर मंदिर को सजा रहे हैं, और बाकी सदस्यगण यहाँ बैठे हैं, चाची हो गई, भाभी हो गई, और बुआ लोग भी आ चुके हैं, आज सारे लोग आ रहे हैं, भाभी लोग आ रहे हैं अभी, तो देख सकते हो। और पिरानसु वहाँ पर डीजे का सिस्टम लगा रहा है, और यहाँ पर मंदिर सजा रहे हैं बुआ और ताई और चाची। आगे का व्यू देख सकते हो। तो दोस्तों फाइनली कीर्तन शुरू हो चुके हैं, तो आप मेरे आगे मंदिर देख सकते हो। तो अभी सबसे पहले गणेश भगवान जी की आरती की जाती है सभी जगह, तो पहले गणेश भगवान जी की आरती की जा रही है। तो यहाँ पर हमारी सारी कीर्तन मंडली पहुँच चुकी है, तो देख सकते हो यहाँ पर गणेश जी की आरती की जा रही है, क्योंकि यह माना जाता है कि सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है। दोस्तों यहाँ पर मटर छिले जा रहे हैं दीपांशु और करण और ताऊ जी और चाचा द्वारा। तो इतने सारे मटर छिलने हैं उन्होंने, क्योंकि खाने बनाने की तैयारी होने लगी है। बाकी देख सकते हो इतने सारे मटर उन्होंने छिल दिए बाल्टी में,
और बाकी चाचा लोग बैठे हैं आगे, उस साइड खाना बनाने की तैयारी हो रही है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ताऊजी लोग बना रहे हैं पकोड़े। ताऊजी कुछ बोलोगे? दादाजी मतलब दादा बना रहे पकोड़े। तो यहाँ आलू के पकोड़े बन रहे और गोभी के पकोड़े बन चुके हैं, और वहाँ गाजर के हलवे के लिए गाजर छिल रहे हैं, और देख सकते हो बाकी यहाँ पकोड़े बन रहे अभी, और यहाँ पर बना रहे हैं खाना, रात का खाना बन रहा है, रात के खाने की तैयारी हो रही है। और ये कीर्तन के जो महिला मंगल दल के लोग हैं उनके लिए पकोड़े बन रहे। बाकी दादा बोल रहे कि मेरी वीडियो बनाऊं, तो बनाते ताऊ जी की वीडियो। बाकी देख सकते हो खाना बन रहा है यहाँ पर, तो मैंने पकोड़े लेके जाने इसमें आगे।